हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 81 रुपए 18 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक ने नीचे का सपोर्ट लेवल बना लिया है 75 रुपीज पर। 75 रुपीज पर स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है, जहां पर स्टॉक ने 3 टाइम सेम प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद निचले लेवल पर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ऊपर में स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 86 रुपीज से, जो रेड कलर की होरिजेंटल लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक में एक रुकावट रेंज का काम कर रहा है। और ये स्टॉक देखें तो काफी टाइम से अभी एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 75 रुपीज का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें और ऊपर के टारगेट अराउंड 86 रुपीज और सेकेंड टारगेट 100 रुपीज, ये दो बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकेंगे। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 78 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट 84 रुपीज जल्दी अचीव होते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।